लड़की को जब बुलवाया तो नारद समझाते हुए बोले हैं, भीष्म हमारी बात सुनो, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, पांच चतुर चालक निकलेगी तुम्हारी ये कन्या, माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही भगवान का गुणगान करेगी और अंत में द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। जो इतने शब्द भीष्मक ने सुने हैं, भीष्मक बोले नारद क्या द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे? बोले हाँ। भीष्मक बोले हैं नारद तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। बहुत खुश हुए, अरे खुश द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे, पहले हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। भीष्म बोले बोले हैं नारद द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो यह हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। देव ऋषि नारद वहां से चले गए, रुक्मिणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में धीरे धीरे समझदार हुई। एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पर बैठी हुई थी तो एक महात्मा एक ब्राह्मण देव दरवाजे से धीरे से कुछ गुनगुनाते हुए निकले। क्या गुनगुनाते हुए निकलेगा कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया। और जो रुक्मिणी ने सुना ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो गया तो रुक्मिणी के दिमाग में बचपन में एक दूसरी बात गूंज गई। कौन सी? रुक्मिणी सोचने लगी है अगर ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो गया तो गुणगान करेंगे कन्हैया का, भजन करेंगे कन्हैया का,
और शादी भी करेंगे तो द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में। दूसरी बात गूंज गई रुक्मणी के दिमाग में और सोचने लगी है सोते जागते रुक्मणी भगवान कन्हैया की प्रशंसा करती है। सखियों में कहीं चर्चा छिड़ जाती है तो सिर्फ भगवान कन्हैया की ही बात किया करती है। आहा
चढ़ते बढ़ते उठते बैठते सोते जागते रुकमणी जो है भगवान का दहिया की ही प्रशंसा में लगी है। सखिये में कहीं चर्चा छिड़ जाती है तो सिर्फ भगवान का दहिया की ही बातें किया करती है। धीरे धीरे रुकमणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में समझदार हुई है, और जब रुकमणी आंगन में समझदार हुई है, रुकमणी की मां ने देखा है कि हमारी बेटी घर में शादी के लायक है, हमारे महाराज को बिल्कुल खबर ही नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कर देना चाहिए, आज ही अपने महाराज को बुलाएंगे और रुकमणी की शादी की बात चलाएंगे। सोचा है रानी, रानी ने सोचा है हमारी घर में बेटी शादी के लायक है, हमारे महाराज को बिल्कुल खबर ही नहीं है कि घर में बेटी शादी के लायक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कर देना चाहिए, हम आज ही अपने महाराज को बुलाएंगे और रुकमणी की शादी की बात चलाएंगे। ये बात तो सोचने के बाद में रानी ने दासी को अपने पास बुलाया, इधर आओ तू दरबार में चली जा और हमारे महाराज को बुला करके ले आ जा। महाराज को बुला करके ले आज हम अपने महाराज से शादी की बात चलाएंगे बेटी की, तो चलिए है वो दासी महाराज भीष्म को बुलाने के लिए।